वेलकम, दिस इज मी निरुला पटेल। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो बायोलॉजी के एंटीन चैप्टर और इसके फर्स्ट लेक्चर फार्माकोलॉजी, और साथ में आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में, और इसी तरह आप पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी में हम सबसे पहले फार्माकोलॉजी की एटमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एटमोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि लफ्ज कौन से वर्ड और कौन से लैंग्वेज, यानी कौन से लैंग्वेज में इस वर्ड का क्या मतलब है। तो इसी तरह जो फार्माकोलॉजी है, इसका एटमोलॉजी ये है कि यह फार्माकोलॉजी ग्रीक वर्ड से निकला है, और ग्रीक वर्ड में यह फार्माकोन से निकला है। फार्माकोन जो है ये ड्रग या मेडिसिन, और लॉजी जो है स्टडी, यानी इस तरह की स्टडी जिसमें हम ड्रग या मेडिसिन के बारे में बोलते हैं, तो इस तरह की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन ये है कि द स्टडी अबाउट ड्रग कंपोजिशन, ड्रग इफेक्ट्स ऑन बॉडी, और साथ में जिसके लिए बॉडी रिस्पॉन्स शो करे, इस तरह के स्टडी को भी हम फार्माकोलॉजी, यानी कि ये ड्रग के हम कंपोजिशन पढ़ते हैं, साथ हम ड्रग के असरात पढ़ते हैं बॉडी पे, और उसी असरात के नतीजे में जो बॉडी रिस्पॉन्स या जो बॉडी जो एक्शन शो करता है, रिएक्शन, तो इस तरह की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी। यहाँ पर लफ्ज दो लफ्ज आ रहे हैं, एक है ड्रग और दूसरा है मेडिसिन। ड्रग और मेडिसिन में कौन सी डिफरेंस है? ड्रग और मेडिसिन में स्मॉल डिफरेंस है, वो ये है कि ड्रग जो है ये इस तरह की एक्सटर्नली एडमिनिस्ट्रेट या इस तरह केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो रॉ फॉर्म में हो, यानी खाम शक्ल में हो, इसमें कोई मॉडिफिकेशन जब नहीं आया हो तो वो ड्रग क्या है। जब हम रॉ फॉर्म से उसमें मॉडिफिकेशन ला देते हैं तो इसी को हम मेडिसिन कहते हैं, यानी मेडिसिन जो है ये इस तरह की केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो एक मखसूस डोजेज के फॉर्म, प्रॉपर डोजेज फॉर्म, या तो लिक्विड की शक्ल में, या तो सॉलिड की शक्ल में, या तो गैस की शक्ल में मौजूद है। और साथ में हम ड्रग्स जो है मेडिसिन के लिए जो हम ड्रग जो है ये डिजीज के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, या तो हम इसे डायग्नोसिस करते हैं, तशखीस करते हैं किसी बीमारी की या किसी डिसऑर्डर की, यानी बाद में हम एक्सरे लेते हैं बॉडी के, उसी एक्सरे जो है वो उसमें क्लियर इसका मॉडिफिकेशन नहीं होता है, फिर हम मखसूस ड्रग्स इस्तेमाल कर लेते हैं, तब इसके बाद जब हम एक्सरे लेते हैं वो ऐसा वो जो एक्सरे होता है वो एक क्लियर दिखाई देता है, और साथ में उसी को हम इस्तेमाल करते हैं प्रिवेंशन के लिए, हम वैक्सीन के जरिए से मुख्तलिफ बीमारों की हिफाजत करते हैं, तो ये ऐसा प्रिवेंशन भी हम इस्तेमाल करते हैं, साथ ही हम इसे ट्रीटमेंट इलाज भी करते हैं। ये था हम ड्रग के जरिए से मेडिसिन या डिसऑर्डर, यहाँ पर मेडिसिन और डिसऑर्डर में क्या फर्क है। मेडिसिन जो है ये एक्सटर्नली एजेंट से, यानी द आर्म व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट्स, मतलब बैक्टीरिया और वायरस जो अटैक करे एक्सटर्नल बॉडी पे, उसी को हम मेडिसिन उसी को हम डिजीज कहते हैं, और डिसऑर्डर जो है वो उसकी उलट है, यानी इंटरनल एजेंट से जब का हो उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ द ड्रग्स, ड्रग्स की कितने अकसाम हैं, इसके बाद ये जो सोर्स है उसमें मुख्तलिफ किस्म है, लेकिन हम दो अहम जो मेन टाइप्स है, फर्स्ट है मेडिसिनल ड्रग्स, या इसको हम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी कहते हैं, और साथ में एडिक्टिव ड्रग्स। फर्स्ट आते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स, ऐसी सिंगल एंटिटी ड्रग्स के जो मेडिकल सिंगल एंटिटी इन मेडिसिन, यानी ड्रग के वो जो ये जो मेडिकल्स में मिलते हैं बाजार के, वो तमाम मेडिसिनल ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं। ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ये हम इस्तेमाल करते हैं इसी तरह डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी से हम ट्रीटमेंट करते हैं मुख्तलिफ बीमारी की, इसी से हम प्रिवेंशन करते हैं, इसी से हम रिलीवर एज अ पेन इस्तेमाल करते हैं, यानी मुख्तलिफ रोटेशन पे हम वेरियस रोटेशन पे इस्तेमाल करते हैं, मसलन फर्स्ट आयरन को हम इस्तेमाल करते हैं मूड के लिए, और जो इंजेक्टेबल जो है इंजेक्टेबल ये हम इस्तेमाल करते हैं मसल के लिए, यानी इसे वेन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और जो टॉपिकल है वो हम स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इनहेलेशन जो है ये हम ब्रीथ यानी रेस्पिरेशन या ब्रीथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ये गवर्नमेंट देते हैं, और एक कंस्टिट्यूशन है उसको हम कहते हैं
FDA, Food Drug Authority या Food Drug Administration, ये इस तरह ये USA का एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो ड्रग्स देते हैं सेफ्टी के लिए। और दूसरा जो है वो है एडिक्टिव ड्रग्स, आए कुछ इस तरह के ड्रग्स है जो पर्सन को एडिक्ट बना देते हैं, आदि बना देते हैं, यानी वो पर्सन जो है वो इसी ड्रग्स के डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी विदाउट दिस ड्रग्स दे कैन नॉट परफॉर्म द रेगुलर, यानी वो अपनी जो रेगुलर फंक्शन है, वो अपनी जो नॉर्मल फंक्शन है अपने बॉडी के, वो इसी तरह वो प्रपोज नहीं कर सकता है। तो इस तरह के ड्रग्स जो बॉडी को डिपेंडेंट बना देते हैं और बॉडी जो है उसके पेमिलर बन जाते हैं, यानी उस ड्रग्स के बगैर वो कोई काम नहीं कर सकता। तो ये था हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी और साथ में हम टाइप ड्रग्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टाइम।